मार्च अप्रैल में फिर से जिंदगी क्यों बदलने जा रही है। दोस्तों, इतिहास भी गवाह है। जिस पांडवों ने राजगद्दी के लिए पूरा महाभारत का युद्ध किया, उन्हें वही राजपाट छोड़कर हिमालय में जाना पड़ा था। दोस्तों, भाग्य और ग्रहों के प्रभाव के आगे सब मनुष्य बेबस है, चाहे वह निर्धन हो या फिर धनवान। मेष राशि वालों, ज्योतिष विद्या में कुंडली में लग्नेश अर्थात लग्न भाव का स्वामी, पंचमेश अर्थात पंचम भाव का स्वामी और भाग्येश अर्थात भाग्य का स्वामी, यदि यह तीनों बलवान होते हैं या फिर पंचम लग्न और भाग्य ये तीन स्थान बलि हो, तो मनुष्य भाग्यशाली प्रसिद्ध एवं धनवान बन ही जाता है। आज फिर से यह स्थिति 65 दिनों में बड़ा चमत्कार करेंगे, तो चलिए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, अगर आप अपने नाम राग की राशि से भी सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। तो चलिए, अब आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, सुनना है। मेष राशि वालों, कहते हैं कि तकदीर भी उसी का साथ देती है जो परिश्रमी हो, क्योंकि सफलता पाने के लिए भाग्य और परिश्रम दोनों ही जरूरी है। वही सफलता प्राप्त होने की शुरुआत 18 मार्च से शुरू हो जाएगी। कार्य व्यापार में उन्नति तो होगी, साथ में सामाजिक पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। अगर आप किसी तरह के चुनाव से संबंधित निर्णय लेना चाह रहे हैं या चुनाव से संबंधित किसी ऐसे व्यक्ति के सीधे संपर्क में है जो चुनाव लड़ रहा है या इनके साथ है, तो मुझे लगता है कि मार्च और अप्रैल आपको एक अच्छा अवसर देकर जाएगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि जब जब भी पंचमेश सूर्य होते हैं तो वह प्रेम की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों के साथ बिगड़े हुए संबंधों को पुनः मजबूत करते हैं, मकान वाहन के करे के द्वारा लाभ दिलवाते हैं। पंचम भाव प्रेम का भी होता है और विद्या का भी होता है, तो सूर्य यह आपको दो लाभ देगा। एक तो जो अपने ही शहर राज्य में शिक्षा के लिए इच्छित जगह पर दाखिला चाहते हैं उन्हें दाखिला दिलवाएंगे, उनके साथ साथ दूसरे देश के लिए वीजा का आवेदन कर रहे लोगों को लाभ देंगे। तो दूसरा लाभ वह विवाहित वार्ता को सफल करने के रूप में देंगे। अगर आप कई महीनों से प्रयास कर रहे थे कि मेरी शादी हो जाए और वह इच्छित जगह पर, तो सूर्य इसमें आपकी मदद करेगा। देह भाव में गुरु की उपस्थिति पिछले महीनों के मुकाबले आपको बेहतर परिणाम देगी। अगर आप टूरिज्म, एडवर्टाइजिंग, एग्रीकल्चर, मीडिया, मेडिकल, स्पोर्ट, एक्सेसरीज, गेमिंग और एडवेंचर से संबंधित बिजनेस कर रहे हैं, तो आपकी दिन दोनी और रात चौगुनी प्रगति होगी। अगर आप इन क्षेत्रों में कोई नई योजना के साथ आगे बढ़ते हैं या फिर पार्टनरशिप से कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो करियर के नज़रिए से ये दो महीने आपको मालामाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जिनका लाभ लेकर आप सब कुछ बदल देंगे। भाग्य के स्वामी गुरु है तो वह आपकी अत्यधिक भाग दौड़ को सफल बनाएंगे। मार्च अप्रैल का महीना आपकी सरलता का औसत 80% तक पहुंच जाएगा। गुरु के घर में सूर्य की उपस्थिति स्पष्ट संकेत दे रही है। अगर आप बहुत समय से नौकरी की तलाश में थे, अथक प्रयास के बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लग रही थी, तो निराश ना होइए, क्योंकि आपको न केवल नौकरी प्राप्त होगी लेकिन इच्छित जगह पर शहर पर कार्य भी प्राप्त होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में आपको सिलेक्ट किया जा सकता है या दोस्त आपकी मदद कर सकता है। मंगल शुक्र दोनों ही लाभ भाव में उपस्थित है तो वह सफलता के सिलसिले को चालू रखेगा। यदि अगर पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद भी चल रहा है तो वह सुलझता नजर आएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विदेश में बैठा आपका भाई या फिर आपका परिवार का कोई व्यक्ति आपको संपत्ति गिफ्ट में दे दे। आपको अपनी बहुमुखी प्रतिभा के द्वारा प्रमोशन मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप आनंद में कोई ऐसा डिसीजन ले लें जो आपकी जिंदगी बदल दे। दोस्तों, हमें मालूम है आप नहीं चाहते हुए भी कई बार मुकदमों में उलझन में पड़ चुके हैं, लेकिन आपकी राशि का जो स्वामी मंगल लग्नेश होकर 12वें भाव में पहुंचा है,
तो वह न केवल शत्रु के भय को कम करेगा लेकिन व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में भी आपको विजयी बनाएगा। आपके बिजनेस में आमदनी अधिक और खर्च कम होता जाएगा, मतलब कि आपकी प्रोडक्ट अब ज़्यादा बिकने लगेगी, आपके व्यापार का विस्तार होगा। और अगर आप बिजनेस के लिए धन इकट्ठा करना चाहते हैं तो वह कर सकेंगे। मार्केट में आपके रिलेशन और भी गहरे होंगे। मार्च अप्रैल में आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी। एक ऐसी यात्रा भी संभव होगी जिसमें स्पष्ट रूप से आपको लाभ मिलेगा, अधिकार मिलेंगे, यानी कि आप भाग्य के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। अगर आप कोई स्टार्टअप भी शुरू करना चाहते हैं और उनके लिए फंड जुटाना चाहते हैं, पैसे की जरूरियात है, तो यह भी संभव होगा। दोस्तों, ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को व्यर्थ कर देते हैं, सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली को जाने, कुंडली को समझे, कुंडली का विश्लेषण करें और जीवन में आगे बढ़ जाए। दोस्तों, सूर्य 12वें भाव में राहु के साथ है तो आपको बड़ा लाभ या बड़ी खुशखबरी कुछ भी समझ सकते हैं। वह आपको विदेश में अचानक से लाभ, विदेश में नौकरियां या फिर व्यापार में बढ़ोतरी के रूप में बहुत कुछ दे सकता है। 18 मार्च पर जब शनि उदय होगी और उनके घर में मंगल योग कारक बनेंगे, वैसे ही आपके कई बिगड़े काम आसानी से बनते चले जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के साथ बड़े स्थान पर, बड़े पदों पर बैठे कंपनियों के मालिक को भी, लघु उद्योग से संबंधित लोगों को भी, पार्टनरशिप से बिजनेस करने वाले लोगों को भी कुछ अवसर, कुछ ऐसा मौका, कुछ ऐसी चीजें हाथ में लग सकती है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सरकार से संबंधित कोई व्यक्ति या फिर बाहरी व्यक्ति आपको साथ दे सकता है, जिनका साथ पाकर आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप जिंदगी के उस मुकाम तक पहुँच चुके हैं जहाँ पर केवल सफलता, धन और सुख से ही काम होगा। इसलिए अगर आप सकारात्मक होकर प्रयास करते हैं तो मार्च अप्रैल में सब कुछ बदलेगा।